रायगढ़ पुलिस ने प्रतिबंधित महादेव सट्टा ऐप एवं लोटस ऐप में पैसों के अवैध लेन देन हेतु ग्रामीणों को गुमराह कर उनके बैंक अकाउंट का आपराधिक दुरुपयोग करने वाले गिरोह के दो सदस्यों और स्थानीय इंडसइंड बैंक प्रबंधक और कर्नाटका बैंक के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आरोपियों के पास से खुलवाए गए खाता धारकों के खाता कीट की जब्ती कर आगे की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार चार आरोपियों को धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल ने पत्रकार वार्ता में दी। और बैंक को भी कि अगर आपके बैंक में ऐसा कुछ भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होता है जो आपके नॉलेज में, तो आप तत्काल पुलिस को बताइए, अन्यथा अगर हम खुद ढूंढेंगे तो जैसे आज दो आरोपी को जेल भेज रहे हैं वैसे आपको भी जेल भेजा जाएगा। साथ में पब्लिक को भी कि भाई आप ऐसे कुछ लोग रेंट पे अकाउंट दे देते हैं कि 5,000 लिए और अकाउंट दे दिए, भाई तुम देखो मुझे तो 5,000 मिल रहा है, ठीक है, ऐसे आपके अकाउंट कहीं भी किसी साइबर फ्रॉड में फंस जाएंगे तो आपको भी जेल हो सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति के नॉलेज में है कि उसने ये अकाउंट जुआ सट्टा के लिए दिया गया, ठीक है, तो जुआ अधिनियम जो छत्तीसगढ़ का नया जुआ अधिनियम है उसमें ये भी प्रावधान है कि जो अपना अकाउंट जुआ सट्टा में यूज़ करने के लिए देता है उसके विरुद्ध भी आपराधिक प्रकरण दर्ज पंजीबद्ध करके उसको जेल भेजा जाएगा। तो हमारी दोनों से रिक्वेस्ट है, बैंक वालों से भी और पब्लिक से भी, आपके माध्यम से मैं ये इस पॉइंट को सभी खास फोकस करेंगे कि बैंक वाले भी अगर जिसमें इन्वॉल्व है तो खुद आके बता दें कि जो जो इन्वॉल्वमेंट है और जो भी अकाउंट ऐसे है उसको होल्ड कर दें। और पब्लिक भी अगर खुद जान बूझ के अगर अकाउंट दे रही, अगर आपसे ठगी होकर आपका अकाउंट लिया जा रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन अगर आप जान बूझ के आप अकाउंट दे रहे हो वैसे हमारे पास अगर एविडेंस मिले तो आपके खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी। तो अगर